देख रहे हैं डीडीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निशा बांडवाल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टर संजय जायसवाल को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने बढ़ाई कई आरएसएस नेताओं की सुरक्षा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं केरल में 5 आरएसएस नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने बढ़ाई कई आरएसएस के सदस्यों की सुरक्षा। सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कांग्रेस और आरजेडी ने कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शर्मिला चौहान हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों के नेता अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। शर्मिला, है वो सवाल खड़े करता है, और क्योंकि दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसके अग्निवीर योजना यानी अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था। उस वक्त कई ऐसे उपद्रवियों ने बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने इस बात को कहा था। और उसके बाद से बीजेपी के करीब 12 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो बाद में हटा दी थी। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के बिहार अध्यक्ष कह सकते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और ऐसे में सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल को ही नहीं, आरएसएस के 5 नेताओं को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केरल के ये 5 नेता हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ भी अब इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लगातार इन दिनों जो संजय जायसवाल है वो फिलहाल आक्रामक तेवर में है। लगातार वो विपक्ष, माफ कीजिएगा, महागठबंधन सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं संजय जायसवाल की अगर बात करें तो संजय जायसवाल ने इसके पहले भी कहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है लगातार और मेरी सुरक्षा को खतरा है। इस पर उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो डॉक्टर संजय जायसवाल को दी गई है। फिलहाल अगर इसकी बात करें, जैसे ही सुरक्षा बढ़ाई गई वैसे ही विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम बीच सड़क पर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को हल करेंगे। लेकिन लोग नाराज होते हैं तो नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, ऐसा आखिर क्यों? वैसे ही आरजेडी भी सवाल कर रहा है कि आखिर सुरक्षा बढ़ाने का क्या मतलब है, क्यों डॉक्टर संजय जायसवाल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनता से हम बीच सड़क पर जाके संवाद करेंगे, तो नेताओं को बीच सड़क पर उतारने में उन्हें दिक्कत है, आपत्ति क्यों है? इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो अब बिहार की सियासत में लगातार हो रही है, क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल की सुरक्षा बढ़ती है। और ऐसे में अब और भी देखना होगा, अभी फिलहाल तो राजद और कांग्रेस ने ही बोला, जेडीयू उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, फिलहाल ये खुलकर सामने नहीं आया है। निशा जी, बिल्कुल शर्मिला, जैसा कि पता है बीजेपी के बिहार अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस पर तमाम विपक्षी दलों के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर तमाम विपक्षी दलों के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि आखिर बीजेपी कहती है कि वो जमीन से जुड़कर लोगों से जी शर्मिला, आगे जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि किस वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया लगातार डॉक्टर संजय जायसवाल बयानबाजियां कर रहे थे और कुछ दिनों पहले ही संजय जायसवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उनके घर पे परव स्फोट उनके घर में तो तोड़फोड़ किया गया था और ऐसे में संजय जायसवाल ने बिहार की पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाया था। और ऐसे में अब चूंकि महागठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है, लगातार बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल वो फिलहाल दौरे कर रहे हैं और महागठबंधन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब डॉक्टर संजय जायसवाल की बीजेपी के अन्य नेताओं की, बिहार की बीजेपी के अन्य नेताओं की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, फिलहाल सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और पांच केरल के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसके पहले बीजेपी के 12 नेताओं की सुरक्षा बिहार में 12 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन फिलहाल वाई शहरी की सुरक्षा सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल को दी गई है क्योंकि लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं और अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बिहार की प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित रहनी चाहिए, ये केंद्र खासा ध्यान रख रही है। गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है और गृह मंत्रालय की ओर से ये सुरक्षा बढ़ाई गई है।